जी दे दो यार। वाह क्या बात है। हमने तो आपको ईद की नमाज में भी यहाँ पर देखा था, आप उसमें सही बात कह रहे हो। क्या हालत बनाई हुई अपनी पूरे 30 हो भाई सारे रखते हैं। अब तो बोलो ईदी तो दो ये पहला मैंने बोला ईदी दे दो तुम्हारा बोलो ना ईदी दे दो यार रमजान ईदी मांग रहा। अब बड़े भाई देते ईदी बड़े भाई तुम कराची वाला है, मैं तो 2000 किलोमीटर दूर आया। अच्छा 2000 किलोमीटर से दूर आया हमें तो आग आप लोग का बनता है हमारे किसे समझ रहे हो समझ रहे हो तो भाई अब तो जब से हम बच्चे थे जब से आप यहीं पर हो अब तो आपका इस फिर भी देखो कराची है आप लोग इधर रहना है तेरा है ये सब कुछ है ना हम तो किसी टीम भी जा सकते चलो ईद मुबारक ईद मुबारक लस्सी ले गए भूख लग रही है कुछ खाना नहीं है फिर बाहर की चीज़ों को खाना छोड़ दिए बस मैंने फिर लस्सी पी रहा हूँ मैं ताकि कुछ अंदर जाए। स्कूल का टाइम है अभी हाफ डे में निकला हूँ हाफ डे है कि स्कूल में दूसरे स्कूल में जाना है। ये आ गया भाई हमारे लस्सी का गिलास मलाई से भरपूर वाह क्या बात है। अरे स्कूल में बैठे हैं पेपर चेक कर रहे हैं बच्चों के पेपर चेक हो रहे हैं। ये मैथ्स का सेट चेक हो रहा है मैट्रिक का कोई खास नंबर नहीं लिया बच्चों ने तवज्जो नहीं देते आजकल के बच्चे फोकस ही नहीं करते अपनी पढ़ाई के ऊपर। पेपर शुरू होने वाले हैं मैट्रिक के एक हफ्ते के बाद और रिजल्ट ले जाए आप क्या। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है कैसे हो। हमने तो आपको ईद की नमाज में भी यहाँ पर देखा था आप उसमें सही बात कह रहे हो कल बंद की थी कल फिर लेट आए थे मुझे लेट तो प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा मेरी वाली बना लेना दोनों चीजें जी। तो दोस्तों सारा दिन गुजर गया है और मैं रात के अभी 11 बज रहे हैं और अभी घर पे पहुंचा हूँ और मोबाइल घर पे छोड़ के जाता हूँ तो इसलिए वीडियो बना नहीं सका शाम में और ऐसा कोई मौका मिला भी नहीं ऐसी कोई चीज़ मिली भी नहीं कि मैं बनाता शाम तक। तो शाम में जो मैंने रात तक शाम में जो है वो मैंने जो है वो आपको दिखाया था कि मैंने कुछ चाट वगैरह ली और बस वो खाना उसको निकालो तो रोटी को तो निकालो उसमें ठीक है। तो अभी घर आया हूँ अभी बच्चों से बातचीत करूँगा तो जितनी बातचीत करूँगा और जो जो करूँगा अभी वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। खाना खा लिया आपने नहीं मेरा इंतजार कर रहे थे हैं जी। तो ये आपने क्या हालत बनाई हुई अपनी क्या मिला सब भूषीबान गए थे आप। अच्छा चलो खाना लगाओ घुटने में दर्द हो ये क्या हुआ क्या किया आज आपने सारा दिन टीवी देखा बस छुट्टियाँ पड़ गई आपकी तो आपने बस टीवी देखा। आज बाकी हो गए पेपर खत्म और ये सिर्फ जो है वो अभी एंजॉय कर रही है सेम सिचुएशन आशिर की भी आशिर लगा रहे हैं दस्तर खान। अभी आशिर आपने भूषीबान में क्या किया आज तो फाइट कर
फाइट करी किसके साथ? शैडो फाइट करी। शैडो फाइट का मतलब अकेले, वही काता जो होता है। कहाँ जा रही हो? कितने कब कब है? 30 को 29 को कहाँ जाना है आपने? लांडी। क्या चीज़ है ये? चैंपियनशिप है सिंध की। टोटल सिंध गेम्स हैं। सर ने बताया वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि पेपर हो रहे हैं ना बहुत लोग। अच्छा, तो चांसेस ज़्यादा है जीतने। अच्छा चलो भैया, ये एक अच्छी को अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि चांसेस इसको ज़्यादा बने। पूरे सिंध का चैंपियन बन गया। इंशाल्लाह आप उनके चैंपियन बन जाओगे। आप लोग भी सब दुआएं कीजिएगा आशिर के लिए कि आशिर जो है वो इंशाल्लाह, लास्ट टाइम तो वो नहीं अचीव कर सका था, अब वो इंशाल्लाह जीत जाए। तो खाने में क्या है आज? खाने में है पालक, पालक आलू, और ये कल का सालन है अचार गोश्त का। चलो भाई अशना अजबा आ जाओ। एक और आपको क्यों आ रही है? आपका चश्मा कहाँ है? नहीं। तो आपने पहना क्यों नहीं? क्या अभी खाना खाते हुए भी मैं ऐसी चीज देख रहा हूँ, फोन भरा पड़ा है बच्चों के मैसेजेस से। पेपर होने वाले हैं ना, तो बच्चों के मैसेज इतने आए हुए हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। बस हम मोबाइल लेके जाता नहीं हूँ, वरना आपको पता है कराची में रहते हैं हम, शॉपिंग हो जाएगी हमारी, तो इस वजह से मोबाइल घर में रख के जाता हूँ शाम में आफ्टर मगरिब। जी तो खाना खा लिया हमने और अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी भी 11:15 हो रहे हैं तकरीबन, अभी भी 2 घंटे लगेंगे मुझे पढ़ाने में, फिर जाके इंशाल्लाह फारिग होगा मैं। उसके बाद भी वीडियो एडिट करनी है, ये है रूटीन, ऐसे चलता है मामला। और जैसे ही जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ रब्ते में रहूँगा, वो जो चीज़ रूटीन की होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।